गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी बोलता है, मैं ग्रैंड माँ को समझा दूँगा, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बोबो। तो आप है ना, बिंग बोलता है, ग्रैंड माँ मानेंगे? तो बोलता है चल उन्हें बताते हैं। तो बोलता है उन्हें पता है? तो बोलता है क्या वो मुझे पसंद नहीं करती? तो आप बिंग बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो बोलते ओके, तुम्हें नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, सब संभालूँगा। तो आप है ना, बिंग बोलता है मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी ज़िंदगी में पता नहीं क्यों खुशी आ रही है, क्या वो होगा मेरे दिल को तसल्ली? तो आप है ना, वांग जी बोलता है क्यों नहीं होगा, हमेशा से हम साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे, कोई भी हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगा। तो ऐसा बोल के विंग ना वांग जी की तरफ देखते हैं और बोलता है क्या सच में? तो विंग बोलता है सच, झूठ और फरेब लंसन तुम पे और पर, अगर हम दोनों अलग हो गए तो हम कभी एक साथ नहीं हो पाएंगे। तो बोलता है चिंता मत करो, हम साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। तो बोलते यही हो, तो बोलते यही होगा। तो वहाँ पे विंग और लैंसन मिल के ग्रैंड माँ के पास जाते और ग्रैंड माँ विंग और लैंसन को साथ देखे वो मन में बहुत खुश होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका ग्रैंड चाइल्ड कितना ज़्यादा फ्रेजाइल है और अभी उसे किसी के साथ की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा साथ की ज़रूरत है। वो इन सारी चीज़ों को अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए बहुत अच्छे से रखना चाहती है। तो आप है ना, विंग ना लैंसन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं चलो। तो बोलते हैं रुको। तो वहाँ पे ग्रैंड माँ बोलते हैं मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन मेरे ग्रैंड चाइल्ड का हाथ छोड़ो। दोनों विंग बोलते हैं ग्रैंड माँ ये लैन वांग जी है। तो बोलते हो तुम्हारा वो नालायक मेट? तो वहाँ पे विंग बोलते हैं हाँ। तो बोलते जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वहाँ पे वांग जी बोलते क्यों, मैंने क्या किया ग्रैंड माँ? तो बोलते ग्रैंड माँ बोलते मैम नॉट ग्रैंड माँ। तो बोलते वो जगह तुम्हें अर्न करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे लैंसन बोलते हैं जी ग्रैंड माँ जी सॉरी मैम। तो आप मेरा मतलब ग्रैंड माँ बोलते हैं तुम मेरे अंग से प्यार करते हो? तो बोलते हैं बहुत। तो बोलते मेरे अंग को खुश रखोगे? तो बोलते हैं हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसका अच्छे से ध्यान रख पाऊँ। तो आप है ना मैडम ग्रैंड माँ वैन बोलती है मैं 100% श्योरिटी चाहता हूँ कि तुम मेरे ग्रैंड चाइल्ड का अच्छे से ध्यान रखोगे। तो बोलते ग्रैंड माँ दुख सुख जीवन के अंग हैं, मैं ऐसे ही बोल नहीं सकता मुँह से कि नहीं आप ये सारी चीज़ें मैं अकेले कर लूँगा, मैं बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हूँ। नहीं ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि मैं कितना कैपेबल हूँ और क्या कर सकता हूँ। अगर मैं वो बोल दूँगा तो वो करने में मज़ा नहीं है। मैं आपके ग्रैंड चाइल्ड का कैपेबल होने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। ऐसा बोल के मतलब ग्रैंड माँ के मतलब सामने बो डाउन करता है। फिर लैंसन बोलता है मैं जानता हूँ मैं अपनी फैमिली का कोई जवाब नहीं दे सकता, मैं अपनी फैमिली के साथ रहता नहीं हूँ क्योंकि मेरी फैमिली मेरे साथ रहना नहीं चाहती, मैं अपने मेट के साथ मेरे मैं एक दुनिया बनाना चाहता हूँ जिस दुनिया में सिर्फ खुशियाँ होंगी, मैं मेरा मेट और आप। और फिर शादी के बाद हमारे आपके ग्रैंड चाइल्ड। तो बोलते हैं मैडम वे बोलते हैं तुम मेरे ग्रैंड चाइल्ड को खुश रखोगे? तो बोलते हैं विलेंसन कुछ बोलने वाला था। तो बोलते हैं
मैं समझ गया, लेकिन तुम्हें ये समझना पड़ेगा, मैं उसकी ग्रैंडमा हूँ और मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। तो बोलते हैं, मैं मेरे मेट के बगैर नहीं रह सकता, मैं मेरे मेट के साथ हमेशा रहूँगा और आप भी रहिए, आप और मैं मिल के बीइंग का एक घर बन जाते हैं ना, फैमिली बन जाते हैं। मेरी फैमिली होकर भी मेरे पास नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ अब मेरी फैमिली बनाऊँ, बीइंग के साथ एक फैमिली बनाऊँ जिसके साथ मैं खुश हो सकूँ। दोनों वहाँ पे मतलब मैडम भी बोलते हैं, चीज़ी चीज़ी मुलायम तो बोल रहे थे, क्या कोई काम की भी हो? तो आप है ना, मैडम भी की बात सुन के लैंसन बोलता है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ या क्या क्या हो सकता है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं वीन से बहुत बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, जिस मोहब्बत में मैं मेरे वीन के साथ हमेशा रहूँगा, कभी भी उसे छोड़ के नहीं जाऊँगा। मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, इस दुनिया को देखना चाहता हूँ और उसे इस दुनिया को मेरी नज़रों से दिखाना भी चाहता हूँ। जैसा बोल के मैडम उबे के सामने लैंसन अपना सर नीचे करके बोलता है, मैं अपने मेट के बगैर रहना नहीं चाहता, मैं मर जाऊँगा। तो आप है ना, मैडम ये बात सुन के बोलती है, मैं कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला मेटेरियल में विश्वास नहीं रखता, शादी करने हैं तो शादी कर लो, फिर उसके साथ रहो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप वांगजी बोलते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी शादी कर सकता हूँ। तो बोलते हैं, अभी तो मैरिज रजिस्टर ऑफिस बंद होगा कल, अभी तुम अपने घर जाओ। तो वहाँ पे वांगजी बोलते हैं, मैं सुबह होते उससे शादी कर लूँगा, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मैं यहाँ पे सोफे पे सो जाऊँगा। तो वहाँ पे ना ग्रैंडमा बोलती है, सोफे पे सोने की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ पे गेस्ट रूम है, वहाँ पे जाके सो जाओ, और भी तुम मेरे साथ आओ, आज तुम मेरे साथ सोओगे। तो वहाँ पे भी बोलता है, जी ग्रैंडमा। तो लैंसन को मुँह उतर जाता है और बोलता है, मैं मेरे मेट के साथ रहना चाहता था, लेकिन ग्रैंडमा ने मेरे मेट को मुझसे छीन लिया, ये बहुत ही दर्द दे रहा है, बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं मेरे मेट के साथ रहूँगा पूरी ज़िंदगी, इस खुशी से कम। तो आप है ना, लैंसन मतलब खाना खा के सब खा के सोने के लिए चला गया था, लैंसन को सोना नींद नहीं आएगा, उसने सारी प्रिपरेशन ले के रखी थी, क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है कहाँ क्या करना है, एवरी सिंगल थिंग। तो आप है ना, वांग जी ना वीन की तरफ देख के बोलता है, बेबी तुम मेरे बनोगे, सिर्फ मेरे, मैं तुम्हें अपने से अलग नहीं करूँगा, नेवर एवर, आई लव यू, तुम मेरी दुनिया हो और मेरी दुनिया को मैं अपने से अलग फिर कभी नहीं करूँगा। इस तरह सोचते सोचते लैंसन मलोनी में जाने ही वाला था, वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरे से ऐसे बात मतलब ऐसे चीज़ें कैसे छुपा सकते हो, मैंने बोला ना कि तुम अपनी शादी नहीं कर सकते अकेले, हम फैमिली है, हमें फैमिली के साथ रहना पड़ता है। तो आप वांग जी बोलते हैं, मेरा कोई फैमिली नहीं है और मैं नहीं चाहता कुछ भी, आप अपना काम कीजिए, अपने किटी पार्टी में, अपनी चीज़ों में मतलब रहिए, मैं इन सारी चीज़ों में अपने आप को नहीं डालना चाहता, आई रियली डोंट वॉन्ट टू गिव दैट अटेंशन टू यू और स्टे अवे फॉर मी, आई रियली डोंट लाइक इट समवन कॉल मी अननोइंग। ऐसा बोलते ही वीन लैंसन ने फ़ोन काट दिया, लैंसन को पता है कि सारी चीज़ें कैसी और कैसे जा रही है। लैंसन हमेशा से विंग से बहुत प्यार करता था, जब से उसे पता चला है कि वो उसका मेट है, अपने मेट को हर कोई प्यार करता है,
तो लैंसन भी करता है। लैंसन अपने मेट के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। वो अपने मेट को कभी भी हार्म होते हुए नहीं देख सकता। वो अपने मेट को अपने पास रखना चाहता है और वो रखेगा, और कोई भी उसे नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। और ना वो किसी को रोकने देगा। तो ना वापे भी ना अपने आप को उसमें सोच रहा था, क्योंकि उसका बदला पूरा हो चुका था। लैंसन ने उसका पूरा बदला ले लिया था। उसने उसके दुश्मनों को बहुत ही खतरनाक और बहुत ही मतलब दर्दनाक मौतें दी थी। और विंग को ये सारी चीज़ें बहुत ही पसंद आई थी। विंग जानता है कि वो अपनी लाइफ में क्या चाहता है, वो अपने प्यार को कैसे चाहता है, और वो इन सारी चीज़ों को अपने प्यार के साथ जीना चाहता है अभी। दोनों वहाँ पे अचानक से विंग ना सो गया था। तो सुबह होती है, वी लैंसन और विंग ग्रैंड माँ के साथ मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस जाते हैं। वो जाने के बाद अपने मैरिज को रजिस्टर कर देते हैं। और विंग बोलता है वो अभी शादी ख़त्म हो गई। तो वहाँ पे ग्रैंड माँ बोलती है नहीं, सेरेमनी बाकी है, पूरी दुनिया के सामने उसे अपनाओ। तो लैंसन बोलते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके ही नाती को प्रॉब्लम है, मैंने बोला था एक बहुत बड़ी वेडिंग रखते हैं। तो वहाँ पे विंग बोलता है ग्रैंड माँ आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आपको पता है ना कि मुझे इन सारी चीज़ों से कैसे मतलब चिर मचती है। तो बोलते क्यों मचती है तुझे चिर, तू हमेशा से ऐसा करता है। मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें तुझे पसंद नहीं है, लेकिन मुझे पसंद है और मैं चाहता हूँ कि तू करे। तो वहाँ पे ना मैडम वे लैंसन की तरफ वे बोलते हैं सन इन लॉ। तो बोलते हैं हाँ ग्रैंड माँ। तो बोलते हैं चलो तुम जितनी बड़ी वेडिंग चाहते हो तुम उतनी बड़ी वेडिंग कर सकते हो। तो बोलते हैं फिर आएंगे। तो बोलते हैं उसकी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी बात सुनो। तो वहाँ पे ना विंग बोलते हैं माँ लेकिन ग्रैंड माँ लेकिन। तो बोलते हैं तुम चुप रहो। तो वहाँ पे मैडम लैन को पता चल जाता है कि लैंसन ने शादी कर ली थी अपने मेट से। तो वहाँ पे लैंस और जिन्स पर बात ही थे और उनका मतलब कोई अता पता नहीं चल रहा था। तो ना उनका सारा काला चिट्ठा इस दुनिया के सामने आ गया था। तो दुनिया को लग रहा था कि वो सारे लोग अपने आप को छुपाने में ही व्यस्त होंगे, तो इसीलिए उन लोगों को ढूंढ रहे थे पुलिस उन्हें सज़ा देने के लिए। लेकिन विंग के सामने लैंसन ने उन लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारा था, बहुत बुरी मौत उन लोगों को दी थी। तो ना वहाँ पे विंग ना ये सारी चीज़ें सोच रहा था। जैसे उसने उसके मॉम डैड को जला के मारा था ना, तो विंग ने भी उन लोगों को जलाया था, सब कुछ किया था, एवरी सिंगल थिंग। तो वहाँ पे ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसका वो सारी चीज़ें करना और उन लोगों का मतलब मरना, उनके लाशों को देखना विंग को बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। विंग जानता है ये सारी चीज़ें कैसे लैंसन ने संभाली है। लैंसन ने जो किया है उसके लिए वो कभी भी मतलब ये सारी चीज़ें नहीं कर पाता। लैंसन था तो इसीलिए वो कर पाया। लैंसन के वजह से वो जिंदा है, वरना वो भी मर जाता। उसे पता है कि ये सारी चीज़ें कैसे कितनी ज़्यादा तकलीफ में आ गई थी उसकी वजह से। और उसके जाने के बाद उसकी ग्रैंड माँ का ध्यान कौन रखता, वो ये भूल गया था कि वो अकेला नहीं है, उसकी ग्रैंड माँ भी है उसके साथ। तो वो कैसे ये सारी चीज़ें कर सकता है। तो वहाँ पे ना विंग ना ये सारी चीज़ें सोच रहा था। तो लैंसन ने उसे आग किया और बोला क्या हुआ, क्या सोच रहे हो। तो तुमने मेरे लिए जो किया है, तुम्हारा दिमाग कितना शार्प है। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स फॉर यू, यू आर जस्ट टू गुड। तो बोलते हैं लैंसन बोलता है मैं बैड में भी बहुत ही ज़्यादा टू गुड हूँ। तो बोलते हैं
और आप कहीं के चो ऐसे शेमलेस इंसान। तो गाइस मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फैन फिक्शन ज़रूर देख